मुक्ता सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दो। काम? तू काम करेगा? क्या हो गया तुझे? सेठ जी, मैं कोई भी काम करूंगा। मुक्ता, काम तो नहीं है मेरे पास, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए मुझे। गोदाम से सामान तो लाना था, लेकिन तू बुकिंग खींच नहीं पाएगा। कल बैल आएंगे तो ले जाना। खींच लो मुझे सेठ जी। धन्यवाद सेठ जी। अरे मुक्ता भाई को क्या हो गया? मुझे लगा ही था एक ना एक दिन ये होगा। तू चाल चल। तो ये मिठाई खाइए, भड़का हुआ है। जब भी हो गया लड़का, ला दे इधर। ये लो भैया। ये पत्ता तो चल चुका था, तू सुधरेगा नहीं सुधरेगा? तो भैया, अबे साला तुम्हारी भी बीमार है क्या? चल चलो। कभी तो कोई काम कर लिया करो। कब तक तुम्हारी गैरत के लिए मैं लड़ती रहूंगी? तू अपनी चिंता कर, मैं अपनी गैरत बचा लूंगा। औरत है, औरत की तरह रहकर। औरत हूं और इंसान भी हूं, लेकिन तुम सिर्फ मर्द हो। औरत है, एक बच्चा क्यों नहीं देती मुझे? एक औलाद दे दे मुझे भी, मैं इंसान बन जाऊंगा। इसमें भी मेरी गलती है। मुझे अच्छा लगता है सारे दिन बर्तनों से बात करना। और क्यों लाऊं बच्चा? खुद को संभालूं, तुम्हें संभालूं और एक और ले आऊं संभालने के लिए। Oh.
माँ। उमा। उमा। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? सुन रही हूँ, पिछले 20 सालों से सुनी कर रही हूँ। पैसे दे दे, दवाई लानी है। खूब पता है मुझे तुम्हारी दवा। आज फिर सिर्फ चावल ही लाई हूँ। और तुम कोई और मत दे दो मुझे, भूख से नहीं मरना। तो फिर शुरू हो गई, चल रहने दे, किसी और से मांग लेता हूँ मैं। रुको, बाद मांगते। जीते जी भगवान के लिए किसी के सामने हाथ मत फैलाना। अच्छा अच्छा ठीक है। मुक्ता, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो यकीनन मैं इस दुनिया में नहीं हूं, और इसी वजह से मैंने ये चिट्ठी वहां रखी है जहां मेरे बाद तुम्हारी नजर सबसे पहले जाएगी, पैसों की पोटली में।
जब हमारी शादी हुई थी तो अम्मा ने एक ही बात कही थी कि अब इसी घर से इज्जत और मर्यादा के साथ अर्थी उठ जाए, यही बहुत है एक औरत के लिए। पता नहीं क्यों और कैसे ये बात मेरे मन में घर कर गई। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी जिंदगी में तो मैं जैसे कभी थी ही नहीं, सिवाय उस वक्त जब तुम्हें पैसे चाहिए थे या जब रात होती। लेकिन इसके बाद भी एक कोशिश मैंने हमेशा की कि तुम्हारे साथ दुखी ही सही एक इज्जत की जिंदगी जी पाऊं, लेकिन तुमने वो भी नहीं होने दिया। कई बार मन में आया कि छोड़ दूं तुम्हें, लेकिन फिर तुम्हें लोगों के लिए सही होते हुए भी गलत हो जाती। एक मुक्ता को छोड़ती सारा गांव मुक्ता बन जाता। फिर तो मैं थक गई हूं मुक्ता, और डर गई हूं कि एक सुबह उठूं और जिंदगी से लड़ने की हिम्मत ही नहीं रही तो क्या करूंगी। खैर, एक आखिरी इच्छा बस यही है कि कम से कम इज्जत की मौत नसीब हो, इसीलिए मैंने ये पैसे रख छोड़े हैं। मेरे अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भगवान के लिए इन पैसों की शराब मत पी जाना। बहुत मुश्किल से एक उम्मीद की है तुमसे मुक्ता, इसे मत तोड़ना। अपना ख्याल रखना। उमा।